बिना समय गवाए फायर के कंट में घटना स्थल पर पहुंचे। मेडिकल फायर टीम के द्वारा फायर ट्रैक एक विक्टिम को बचाकर मेडिकल फर्स्ट कैंप की तरफ ले जाया जा रहा है। जो है हमारा हिस्टोरिकल साइट में जो हम लोग अभी मॉक ड्रिल करने वाले हैं, चार मॉक ड्रिल, जिसमें दो भुवनेश्वर में है, धौली में है, उदयगिरी में है और दो कटक में है। तो ये पहला हमारा मॉक ड्रिल है जिसमें फायर सर्विसेज हैं, ऑर्डर ऑफ है, हमारे नेहरू युवा केंद्र से हैं और अनेक स्टेक होल्डर्स हैं जो लोकल लेवल में है, जो हमारे सरपंच भी हैं जो लोकल हमारे पॉपुलेशन को लाए हैं। और ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ये अवेयरनेस लाएगा और किस तरह से कभी भी कोई आपदा आता है तो किस तरह से हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे, हर एक एजेंसी का क्या काम रहेगा ये हम लोगों को पता होगा। सर आज क्या क्या हुआ इस ऑपरेशन में, जो मॉक ड्रिल में? ये मॉक ड्रिल में हुआ, मान लीजिए साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है उसमें जो स्ट्राइक करता है उसके बाद हम किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से हर एक एजेंसी का किस तरह से काम होगा वो हम लोग दिखाए यहाँ पे। हाँ आप जानते आज स्टेट एनडीआरएफ एसडीआरएफ और स्टेट प्लस डिस्ट्रिक्ट तरफ फायर भी अच्छी गोटे मॉक ड्रिल हो जोटा कि नेशनल लेवल 75 मनुमेंट्स करता ओडिशा मैंने गंजाम भुवनेश्वर दुटा खंडगिरी और एकटा आज गोटे दिन अच्छे आपड़ा जानते ओडिशा से ड्रॉट प्रोन एरिया मानते डिजास्टर प्रोन एरिया तेणु से ही डिजास्टर समय के रेस्पन्स हो तार गोटे मॉक ड्रिल चलती जमी फायर के रेस्क्यू हे कि गच कटा के सब जिन चली विभिन्न डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट गोटे दिन चलिए आज गोटे दिन चलो तार नेक्स्ट टाइम आगे मॉक ड्रिल मेनली जो रेस्क्यू ऑपरेशन था एनडीआरएफ तरफ गोटे मॉक ड्रिल था तो एनडीआरएफ ओड्रा फायर सर्विस मेडिकल टीम टूरिस्ट टीम सब मिसी गोटे रेस्क्यू ऑपरेशन था फायर टीम राम था जे गोटे घरे शॉर्ट सर्किट होती निआ लगे ताकि गोटे विक्टिम फसी रही आम कमी रेस्क्यू करूँ निआ लिभेबू ता सहित रेस्क्यू कर एका सहित दुटा सांग कम हम आम एक सहित निआ लिभेलु रेस्क्यू कर आंबुलांस के मेडिकल पठे थे। हाँ करेन्ट थी निश्चिंत आम प्रथम कथा से करेन्ट कटा एक्सटिंगसर मरा एक्सटिंगसर मारापर आम निआ लिभे एका सहित निआ लिभा जाए आगे रेस्क्यू करेन्ट काटि सारापर आम पा मारू जेपर्यंत करेन्ट न कटा जाए पा मारिपर।